नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10 अर्थशास्त्र के पाठ 3 मुद्रा और साख के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक सुनकर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि ये मुद्रा क्या है, साख क्या होती है। तो पहले हम मुद्रा का अर्थ जान लेते हैं। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रय और विक्रय होता है। उदाहरण के लिए, हम दुकानदार से राशन खरीदते हैं, सब्जी वाले से सब्जी। इसके बदले में हम उसे कुछ धन देते हैं, पैसे देते हैं। यह क्रय और विक्रय हुआ। मुद्रा में सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। किसी देश में चलने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था के द्वारा बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड आदि। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीददारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण लेते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो ना केवल गेहूं बेचना चाहता हो, बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है।
एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए, बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। इसे विनिमय का माध्यम इसीलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है।
क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूंकि मांग जमाओं का करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। चेक द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है
जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी आदि, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। RBI नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है। RBI इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा RBI को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रक के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की
आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी ज़रूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। एक या दो वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा
कर पाती हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए थे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनस को ग्रामीण बैंक की स्थापना एवं 2006 में शांति के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारांश, इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदारों की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने मुद्रा के बारे में जाना। पुराने ज़माने में कौन सी मुद्रा चलती थी, फिर हमने बार्टर सिस्टम के बारे में जाना, जिसमें वस्तु का आदान प्रदान होता है। उसके बाद हमने करेंसी के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने साख के बारे में चर्चा की, RBI के बारे में चर्चा की। तो आशा है कि आपको अपने सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। आइए अब अभ्यास कार्य करते हैं। सही मिलान कर उत्तर दें। एक, वस्तु विनिमय प्रणाली। दो, धातु मुद्रा। तीन, बैंकिंग। चार, साख अर्थात क्रेडिट। ए, लोगों द्वारा निजी व्यक्तियों या बैंकों से लिया गया धन। बी, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। सी, सोना चांदी निकल और तांबा आदि किसी भी धातु से बनी मुद्रा। डी, उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य से जनता के मांगने पर या चेक आदि के माध्यम से जमा स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं। उत्तर हैं, एक को मैच करें बी से, दो को मिलान करें सी से, तीन का मिलान करें डी से, चार का मिलान करें ए से, पांच का मिलान करें ई से। प्रश्न दो, सही विकल्प चुनकर उत्तर दें। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? क, करेंसी कागज के नोट व सिक्के। ख, सोने चांदी के सिक्के
ग मोहरें। उत्तर है क, करेंसी कागज के नोट व सिक्के। प्रश्न दो, भारत में नोट कौन जारी करता है? क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ख पंजाब नेशनल बैंक, ग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर है ग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न तीन, मांग जमा किसे कहते हैं? क बैंक खातों में जमा धन, ख फिक्स्ड डिपॉजिट, ग घर में जमा धन। उत्तर क बैंक खातों में जमा धन। प्रश्न चार, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? क बैंकों में जमा धन, ख फिक्स डिपॉजिट्स, ग कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। सही उत्तर है ग कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। मुद्रा को मान्यता कौन प्रदान करता है? क बैंक, ख सरकार, ग स्वयं सेवी गुट। उत्तर है ख सरकार।